और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, झारखंड में सियासी हलचल तेज हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के कल विधायक दल की इन्होंने बैठक बुलाई है, ये खबर इस वक्त झारखंड की सियासत से जुड़ी। तो कल शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दरअसल विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से ही अटकलों का दौर जारी है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके दावा किया है कि हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि झारखंड के सीएम को जमीन घोटाले में ईडी अब तक 7 बार समन कर चुकी है। कल सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है और उससे पहले यह खबर निशिकांत दुबे की तरफ से जो यहां सोशल मीडिया पर एक्स पर जानकारी साझा की गई है वो आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी परेशान है, उनके सचिव चौबे जी से लेकर महाधिवक्ता मिश्रा जी उपचुनाव कराने के लिए परेशान है, ये जानकारी दी गई है। विधायक दल की बैठक कल, राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं हेमंत सोरेन, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और हेमंत सोरेन अपनी गद्दी अपनी पत्नी को सौंपने की तैयारी में हैं, ऐसा हो सकता है। और वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को बना दिया था, तो वैसे ही उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र हाईकोर्ट की निर्णय आ चुका है। Zee News.